सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग। इसमें हम जानेंगे इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में और इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में हमें क्या देखने को मिलता है। बॉक्स कंटेंट के बारे में जानने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं UBX Tech पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना सपोर्ट जरूर से दिखाएं। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल से फ्री है, बट आपके इस छोटे से काम से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लैक कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर हमें एक TPU केस कवर मिलेगा, उसी के साथ में डिवाइस मिल जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से इनको रखते साइड में। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 65 वॉट का फास्ट चार्जर, उसी के साथ में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है USB टाइप सी केबल, और इसी के साथ में हमें एयरफोन भी देखने को मिलते हैं। मेन डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पर 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले वाली 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले वाली एक डिवाइस मिलती है, जो कि चलने में काफ़ी स्मूथ हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले भी है, फुल HD प्लस भी है और सुपर AMOLED डिस्प्ले है, यानी कि आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यूज़ कर पाएंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कलर OS 12, जो कि बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 है। ये आगे जाकर के अपडेट में हो सकता है कि आपको एंड्रॉयड 12 भी इसमें देखने को मिल जाए। उसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस फ़ोन की बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh वाली बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है 65 वॉट चार्जर के साथ में हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर फ्रंट सेल्फी कैमरे की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको 32 MP वाला फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब फ़ोटो ही काफ़ी कमाल की आने वाली है आपकी। उसी के साथ में यहाँ पर अगर मैं आपसे वेरिएंट वाली बात करूं, तो 8GB 256GB के वेरिएंट में ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको Dimensity का 1200 Max वाला प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर स्नैपड्रैगन का 870 या 888 प्रोसेसर होता तो काफ़ी दमदार प्रोसेसर होता। बाकी जो Dimensity का 1200 मैक्स वाला प्रोसेसर है, ये भी ठीक ठाक सा प्रोसेसर है, BGMI या PUBG में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली या परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। चलते हैं इसके बैक लुक की तरफ, तो बैक लुक काफ़ी ग्लॉसी और शाइनी लुक है, क्योंकि बैक में जो है आपको यहाँ पर ग्लास बॉडी दी गई है। उसी के साथ में जो रियर कैमरा आपको दिया गया है वो ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसके अंदर आपको मेन कैमरा 50 MP, सेकेंडरी 8 MP और थर्ड जो है वो 2 MP का कैमरा मिलेगा। कैमरे के मॉड्यूल जो है थोड़ा सा पॉपअप दिया गया है, जिसके साथ में आपको नोटिफिकेशन LED भी देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो ये कुछ भी 14,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर 12,000 या 13,000 तक होता तो काफ़ी बेहतर होता। 4 फरवरी को ये जो है लॉन्च होने वाला है। तो ये थी पूरी डिटेल इस फ़ोन की, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर से पूछें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।